तो देखो वैसे ये है Realme Narzo 70 Turbo जिसका डब्बा ये रहा, एंड ये है Realme P1 Speed जो कि ये रहा। दोनों के अंदर में Android का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, Realme UI 5 जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियोस बना दिया हूं। पर आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं क्या AnTuTu बेंचमार्क में इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या हीट वगैरह प्रोड्यूस करता है, परफॉर्मेंस वगैरह क्या होता है, नंबर बेसिकली क्या आता है उसका वीडियो आज की वीडियो में। फटाफट छोटा सा वीडियो है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड इन दोनों फोन के ऊपर में कौन सा टेस्ट आप देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी इंस्टाग्राम ट्विटर तो है ही, नीचे जाकर एक फॉलो कर सकते हो, और हाँ सब्सक्राइब का बटन कोई दबाए हुए नहीं जाएगा। इस वाले चैनल को गाइस हमें रीमोनेटाइज करना है भाई, वरना YouTube हमें उखाड़ कर फेंक देगा इस चैनल को। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि तगड़े लेवल का लॉन्ग गेम प्ले, लॉन्गर टेस्ट एंड बहुत ही एकदम एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट वीडियोस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलो सब्सक्राइब कर दो यार, बाकी चलो देखते हैं क्या स्कोर देखने को मिलता है। अभी जाकर के ना मैंने दोनों के ऊपर में टेस्ट रन करा है, एंड स्कोर्स आप लोगों के आंखों के सामने, करीबन 16 मिनट का टेस्ट मैंने कंप्लीट करा था। सबसे पहले मुझे Realme Narzo 70 Turbo पे स्कोर आ चुका था, 2 मिनट लेट यहां पे आया, अगेन 8GB वाला वेरिएंट है और ये 6GB वाला वेरिएंट। तब पर भी आप स्कोर डिफरेंस देख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, बट जो परफॉर्मेंस वगैरह जो Realme Narzo निकाल के दे देता है वो थोड़ा सा जो है ना, अरे ये क्या हो गया, वो मतलब नंबर हल्का सा फर्क देखने को मिलेगा, बट ये ज़्यादा जल्दी स्कोर निकाल के दिया, ये थोड़ा सा लेट किया। इन रियल लाइफ में भी इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है इसके मुकाबले, एंड भाई बैटरी वगैरह भी देख सकते हो भाई, उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, दोनों का जो है ना आसपास का ही बैटरी कंज्यूमशन वगैरह लेता है। एंड ओवरऑल मैं बताऊं भाई, स्टिल इसका स्कोर कम है ना, तब पर भी ये थोड़ा सा फास्ट काम करता है, गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ये भी मतलब ठीक ठाक है। अगर 19-20 मैं बोलूँगा तो भाई ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19, समझ गए ना मतलब। तो ये डिफरेंस है, बाकी देखो अपडेट होने के बाद में ये AnTuTu स्कोर बेंचमार्क आपको निकाल के देता है। बाकी आपके पास में अगर कोई सा भी डिवाइस है, अपडेट आपने सॉफ्टवेयर को कर लिया है, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड देख सकते हो दोनों को सेटिंग्स में आपको दिखा देना चाहता हूं, यहां पे अगर हम सेटिंग्स के अंदर में चलते हैं तो सिस्टम अपडेट्स ये रहा, दोनों के अंदर में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, बाकी टेंपरेचर वगैरह भी दोनों का सिमिलर सा है। दोनों में मेजर डिफरेंस वही है कि थोड़ा सा बिल्ड नंबर देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है दोस्तों यहां पे, एंड आपको सारी चीजें बता दिया। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट कौन सा टेस्ट यहां पे आप देखना चाहते हो वो भी जरूर बता देना।